आज जो मैंने व्लॉग इस टाइम स्टार्ट किया है उसका रीज़न है हमारे घर कोई आने वाला है। उन महान से मैं आपको ज़रूर ज़रूर मिलवाऊंगी, उनके लिए ही मैंने व्लॉग स्टार्ट किया है, ओबियसली आप सबको ज़रूर मिलवाऊंगी। लेकिन उन महान की एक मैं खासियत बताती हूँ आपको, उन महान के फ़ोन में बैलेंस नहीं है। चलो कोई बात नहीं, बैलेंस नहीं है कोई नहीं, हम फ़ोन कर लेंगे। लेकिन उनके फ़ोन पे इनकमिंग आउटगोइंग दोनों कॉल हो चुकी है बंद। विक्की गेट पर खड़ा है हमारा। विक्की क्या है ये, क्या है? हमारे ससुराल में ने फूंगनी बोले और विक्की कह रहा पोला। बताओ जी हद होगी, कैसा नाम है इसका? आप सबके यहाँ क्या बोलते हैं आप जरूर बताना। ऐ महान हस्ती, वेलकम टू प्रीति तन्मय व्लॉग। कैसे हो आप सब? आशा करते हो आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, बाबा मोहन राम की कृपया आप सब पे बनी रहे। तो हो चुकी है शाम और मेरे व्लॉग की स्टार्टिंग शाम को हुई है, और वो भी सब्जी बना रही हूँ मैं। उस टाइम पे हुई है करेला तल रही, देख सकते हो आप, हरी सब्जी। अलावा गर्मी में हमारे घर में आलू बिल्कुल भी नहीं बनते, सिर्फ और सिर्फ बनती है हरी सब्जी या दाल बन जाती है। दाल भी बहुत कम बनती है क्योंकि मसूर की दाल भी बहुत गर्म होती है, और हमारे पापा आलू तो बिल्कुल खाना पसंद नहीं करते और आलू ना ही वो घर में बनने देते हैं। अगर किसी दिन मम्मी को चिढ़ाते हैं ना तो बोलते हैं प्रीति क्या सब्जी लेके आओ, मम्मी बहुत जल्दी बोलती है आलू, जो बेचारी कह देती है लेकिन बनते ही नहीं है। आ भी जाते हैं तो सच बताऊँ रखे हैं लेकिन बन नहीं रहे। मैंने आज बोला था, मैंने कहा मम्मी सोयाबीन बना लेंगे, आलू सोयाबीन बनाएंगे क्योंकि सोयाबीन मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो पापा ने फ़ोन करके पूछा क्या सब्ज़ी लेके आऊँ, मुझे सब्जी का ऑप्शन भी घिया भिंडी करेला पेठा टिंडे ये ऑप्शन मिल रहे थे। मैंने कहा पापा इससे अच्छा तो करेला ही लेके आ जाना, क्योंकि टिंडे कल बने हैं, परसों पेठा बना था, घिया बिल्कुल भी अच्छा नहीं आ रहा आजकल। तो आज जो मैंने व्लॉग इस टाइम स्टार्ट किया है उसका रीज़न है हमारे घर कोई आने वाला है। उन महान से मैं आपको ज़रूर ज़रूर मिलवाऊंगी, उनके लिए ही मैंने व्लॉग स्टार्ट किया है, ओबियसली आप सबको ज़रूर मिलवाऊंगी। लेकिन उन महान की एक मैं खासियत बताती हूँ आपको, उन महान के फ़ोन में बैलेंस नहीं है। चलो कोई बात नहीं, बैलेंस नहीं है कोई नहीं, हम फ़ोन कर लेंगे। लेकिन उनके फ़ोन पर इनकमिंग आउटगोइंग दोनों कॉल हो चुकी है बंद। तो मैं ऑन कैमरा ही उस महान इंसान से आपको आंसर दिलवाऊंगी कि ऐसे कोई घर से निकलता है क्या, और ऐसे कोई घर से निकलता है तो घर वाले क्या करें इस बीच, वो उनसे ही पूछेंगे हम। और आप सब भी ज़रूर बताना, आप खुद सोचो आपके घर में से कोई ऐसा हो जो मतलब ऐसे जा रहा है और उसके फ़ोन में कॉल आ नहीं सकती, ना वो खुद कॉल कर सके, तो ऐसे में घर वाले क्या करें। इसलिए हम बैठे उस महान का वेट करने के लिए। चलो भाई, और हमारे पास कोई ऑप्शन है ही नहीं उसके अलावा, इसलिए हम वेट ही कर सकते हैं। देखो मेरा गला कितना अजीब लगा, मैं भूल गई मेरे तागा ना और मेरे कानन में भी ना कितने अजीब से लग रहे हैं सच में, और आज लगा ली हाथ में ब्लैक नेल पेंट। मैं दक्ष की जब बात कर रही ना कि मतलब ऐसा लगे करा कि काले सफ़ेद पर काला रख दिया, तो ऐसा होया उसको, बल्कि मेरा कुछ पीलापन सा और उसको बिल्कुल सफ़ेद सफ़ेद सा कलर आ। तो भाई मेरे करेला तलने वाले हैं, लास्ट बार के बच रहे हैं, बाकी मेरे तल चुके हैं। और यहाँ पे मैंने काट लिया प्याज और ये आमी करेला में डालने के लिए, क्योंकि आमी डल जाती है तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है, और करेला मेरे पापा के, मेरे और मेरे विशु के फेवरेट है, वैसे भी हमें बहुत ज़्यादा पसंद है करेला। तो चलो भाई खाने की तैयारी कर लेते हैं उन महान हस्ती के लिए, और वो आने वाले हैं, फिर हम आपको व्लॉग में आगे मिलवाएंगे, क्योंकि फिर हम व्लॉग बनाएंगे और फिर हमारा ना काम में ही टाइम निकल जाता है, हम टाइम नहीं दे पाते, इसलिए मैंने व्लॉग स्टार्ट कर लिया है और काम भी स्टार्ट कर लिया है, दोनों चीज़ें करती हूँ और फिर मिलवाऊंगी आपको आगे। और टाइम देखो 7 बज रहे हैं, ठीक है। एक बार देखो मैं आपके सामने ही उनकी कॉल ट्राई करती हूँ। विक्की गेट पर खड़ा है हमारा। नहीं है इसके तो खुद के फोन में बैलेंस ना।
देखिए क्या है ये, क्या है हमारे ससुराल में इन्हें फूंगनी बोले, और विक्की कह रहा पोला। बताओ जी हद होगी, कैसा नाम है इसका? आप सबके यहाँ क्या बोलते हैं आप जरूर बताना। फूंकनी बोलते हैं इनको, देखो फूंकनी, ये वाली फूंकनी, फूंकनी। विशु के फोन से कॉल करूंगी, विकी फोन में खुद के में बैलेंस नहीं। अब विशु कर रहा है अभी पूजा। आ गए मामा बाहर, विशु मामा तेरे लिए मैं हनुमान चालीसा ले आई पूजा में, पूजा कर रहा है। देखो अब मिलाते हैं उसको फोन, उस महान हस्ती का फोन। इनकमिंग कॉल इज नॉट अवेलेबल ऑन दिस नंबर, इट विल बी रिज्यूम्ड पोस्ट रिचार्ज। इस नंबर पर इनकमिंग कॉल उपलब्ध नहीं है, रिचार्ज के बाद इसे फिर से शुरू कर दिया जाएगा। और वो महान टाइम देखो 7:15 हो रहे, अभी तक कुछ अता पता नहीं उसका। ये है अंबानी कुत्ते ने ऐसा लिगाड़ा, हफ्ता तक रिचार्ज न करवा तो कॉल ही आनी बंद। महान मम्मी कहाँ है? मेरी रोटी सब्जी बन गई, अभी मेरा दूध इस पे उबल रहा है। कितना टाइम हो रहा मम्मी? 8:00 महान हस्ती आने वाली है, अभी तक तो आई नहीं है। है अभी कुछ ना बोलेगा बाप को बेटा। ऐ महान हस्ती, महान हस्ती, ओ क्लैपिंग करो बड़ी मम्मी के लिए, क्लैपिंग करो, क्लैपिंग क्लैपिंग करो बड़ी मम्मी। भाई वाह वाह, तेरे फोन में बैलेंस नहीं है और तेरे फोन में आ भी नहीं सकती कॉल, जा भी नहीं सकती। अभी जीजू के पास कॉल करी इसलिए मैं दक्षु ये बोल मम्मी के फोन में रिचार्ज करो, मम्मी आई नहीं अभी तक। एक तो यू घर से आई टाइम बे टाइम, ऊपर से आके फोन में बैलेंस नहीं, कंडीशन तो देखे कर आके नमस्ते भी नहीं करी, चित्रा नहीं करी हम बेटा। हम तो मातेब ज्यादा महान हूँ। ये जूते धर के लाया था मैं, मैंने चप्पल पहन ली, ये पहन ली चप्पल आई है। तू क्यों आई वैसे, तो क्यों आई, तो कहा सूजी इतनी रात को हैं? फोन में बैलेंस क्यों ना रखो था ना महान। रोटी खा ले कर अलग सब्जी बनाई चूल्हे की रोटी, गर्मी हो रही है, जो भी रिश्तेदार आ ना चाय पौनी दियो, पौनी दियो भाई, गर्मी हो रही है चाय ना देनी, पेप्सी ना देनी, क्योंकि देखो अगर तुम अपने चहीते रिश्तेदार ने बचाना चाहते हो तो पेप्सी मत देना, हमारी तरह टेंशन फ्री और अपने आइसक्रीम दे दी खोल के खा ली। दीदी मैंने तो पिछले साल भी ऐसी करा, जो रिश्तेदार नरौली का आगे मैंने आइसक्रीम दे दी, बैठ राजी हो गए। सारे मुंह में आ गए। अब तू क्या बना रही है? अब तो दूध भर रहे थे मैं, रोट सब्जी कर रही चूल्हे पे। बैठो तुम तो एक दिन बिना बैठो रोटी पे। पिछले साल से मैंने कंटिन्यू कर लिया है, हमारे घर जो भी कोई गेस्ट आवे है ना मैंने तो चाय पानी बंद कर दिए, क्योंकि वे आए ना उनसे हमने कही पानी पे कह लगे ना जी ना कर रहा, पापा ने की चाय बनवा दे ना पेप्सी नुकना भी पी का है, पापा कह लगे बेटा ये दूधन के रहने वाले तो दूध कर दे इनको, इनकी ओ दूध तो ये अपने घर पिए, हम इनकी प्योर दूध पीने वाले, वे कह लगे ना दूध तो हम अपने घर ही पी ले, वह हमने पीने आइसक्रीम लाई वही सारे ने खा ली घर खुश हो गए। मैंने तो उस दिन से ही कह दी मैंने की मम्मी अपने आराम से चाय पानी की टेंशन, क्योंकि हमारी शिवानी कह रहा है अगर अपने मेहमानों ने आप प्यार करो ना, आप चाहो कि वे ठीक रहे तो कोल्ड ड्रिंक बिल्कुल मत देख लो, क्योंकि कोल्ड ड्रिंक बहुत बेकार चीज है, कोल्ड ड्रिंक हमारी शिवानी किसे देना पसंद न करती।
लेकिन हमारे कुछ रिश्तेदार ऐसे भैया उनकी पेप्सी बिना बीस देना ठीक है, तो हमारा हम उन्हें फिर देवे क्योंकि उनकी खुद की चॉइस है, मतलब बहुत ही बेकार है। नींबू पानी बना दो, रूपजा पानी बना दो या आइसक्रीम मंगा लो, हमने तो यही तीन चीज अवेलेबल कर रखी है। देख रहे हो आप, हमारे रूपजा बोतल आ रही है उस दिन से ही, हमारी दो रूपजा खत्म होगी, एक हमारे फ्रिज में रखी है, जैसे खत्म हो हम नेक्स्ट फिर रूपजा ही मंगा लें। और यही है वो हमारी महानस्ती जिसके लिए मैं बात कर रही, सब इतने परेशान हो रहे भाई, इसके फोन में बैलेंस नहीं, हम खुद भी कॉल नहीं कर सकते इसके पास, तो हमें टेंशन हो रही। क्या सब घर पे फोन कर रहे हैं, सब तेरे पापा को भी परेशान कर रहे हैं, फिर और क्या करते हम। तुम अभी कोई पागल बना दी कह रही मम्मी एक और रखी ऐसा लग रही मन की रखी है शायद, ये धारी में तो आई नहीं वैसे सुबह। एक बात बता, तू तो आई थे ना, चल तो को तो मैं आइसक्रीम लेकर आई, इनको मैं तेरे गैल मंगा दे, तू का सोच इनको दस दस लेकर आऊंगी। दीदी आज मैं ही तू देख रही दक्षु पार्थ चुड़ैल वाली स्टोरी देख है, चुड़ैल की कहानी उसे देख है, उसमें दो बहन रहे वे जिन जिठाने जन बहन रहे पता ना वे खाना ना बना अलकस करे बहुत ज्यादा खाना बनाने का। एक दिन तो भंडारे आ गए, मैंने उन्हें वो खा लिया, अगले दिन उन्हें कहा करो वे कह लगे बाहर से खाना नहीं मंगाना, तो उन्हें कुरकुरे चिप्स उनसे पेट भरवा दिया, दो वे दो उनके हस्बैंड एक सासू माँ, इनको ऐसे इनको कहा बना जिनको सुनता सुनता सही तो सुनता सही। फिर पता क्या हुआ दीदी, फिर वो कह रहा है सासू और जो दोनों हस्बैंड है वे कह आज तो हमने खा लिया, कल ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, तो अच्छा लग रहा हूँ सुनता सही सुन। फिर कहती है एक चलो मैं खाना बनाती तुम धो लेना, फिर एक अगले दिन जाके एक जाके दो ड्यूटी बर्तन धोने की वो डिस्पोजल प्लेट ले आती है धोने की, टेंशन खत्म। दूसरी कहती है खाने की टेंशन ठीक है, उसकी टेंशन मतलब वो भी है, मैं सोची पता ना वो क्या है, पर मैं फिर जल्दी आज लेट हो रही ना फिर मैं नहाने चलेगी। दक्षु पार्थ पूछते अगर इन्हें देखी होगी तुम, दक्षु पार्थ सुबह तो मैं एक कहानी देख रहे थे याद है, जिसमें वो दोनों खाना बनाने से आलकस करती है, है? तो उन्होंने क्या किया था, वो डिस्पोजल प्लेट लेके आई थी हाँ, और फिर और खाना उसमें हाँ वही कहती जो खाना जिस बर्तन में बनेगा वो तो गंदा होएगा, फिर क्या किया उन्होंने बताओ, पिंडी लपेट देते हैं तो बिस्किट दे देते हैं, फिर वो उनके पति कहते हैं आज बिस्किट नहीं खाते, कल देखता हूँ कौन खाना नहीं बनाता, फिर वो सास और बेटे दोनों खाना बनाते हैं मिलकर। अच्छा बहू नहीं बनाती फिर नहीं, फिर वो डिस्पोजल प्लेट लेके आई, उसमें क्या दिया उन्होंने, उसमें कुछ नहीं दिया, उसमें खाना दिया था, किसी कुछ नहीं दिया, बिस्किट दिए थे, फिर उसकी उनने देखा बहू ने उन्होंने माफी मांगी, फिर वो खाना बनाने लगे, फिर तैयार कर दी, ले दी खाली प्लेट इधर दी, फिर उनने हस्बैंड ने नहीं बनाया, ऐसी हरामणन को बने कहा जो बता रोटी भी ना पोनी बस की हो भी ना क्या, हम पद भी देख कुछ ही करवा लो, हम तो कर दे वो तो ज्यादा देख लिया तो मेरी हमारी तो कहना कितने 50 आदमी आ जाओ जब भी ना घबरावे सब मिलकर कर दे वे। और हम तीनों एक बात बताओ, जब हम तीन जने एक साथ हो जाना फिर हमें काम कोई भी टफ ना लगता, सच बताऊंगा कितनी देर लगे रोटी सब्जी बनाने में, थोड़ी देर। अगर मनीषा प्रीति शिवानी हो खड़े हो जाते हैं प्रीति के लेफ्ट राइट बन जावे, और अगर ये पोजीशन ऐसे चेंज हो जाए और शिवानी हो जाए तो मनीषा की प्रीति लेफ्ट राइट बन जा, अगर शिवानी हमारे बीच में आ जा तो हम लेफ्ट राइट बन जा, तो हो जा तो अमित शाह मैं मोदी हूँ और शिवानी अम्मा जी। चलो भाई आगे हमारे मान पर आज इसने बड़ा दिमाग खराब करो, अब मैं जा रही हूँ बाबा, ये भी लोग कहेंगे हर आज दिन आ जाए, क्यों कहेंगे कोई बात है, युवा सच है बेटी कहना माँ बाप पे भारी ना हो, अड़ोसी पड़ोसी गांव में भारी हो भाई, हकीकत मैंने सोची मन में रक्षाबंधन तो पहले जाऊ ही ना, और जब तक मेरे दो चक्कर लग गए जब नु कह मैं नो जाऊ जब जरूर आवे, आठवें दिन ही आ जाऊंगी मैं बृहस्पति को आई ना, और आज जो मंगल है वहां तो पहले ला आगे ला आपका तुम्हारा, और जब ये फ्लैट पे रह गई ना यहाँ दूसरे मोहल्ले में यू जब ना आ गई, जब इसके 15-15 दिन बीच जावे, जब मम्मी कह भी तेरा आने को जी ना करता जब यू आवे नहीं सच में, और अब यू लगा लो इतनी यू बात सच है दीदी, दूर के आ जा नजदीक के ना जा सकते, देख गुरुजी दूध पर ऊपर ना गुरुजी आश्रम पे हम ना जा पाते,
वेरी गुड नाइस। गुरु जी आश्रम पे दूर दूर से आ जाए लेकिन हम नहीं जा पाते, शनि धाम पे दूर दूर से आ जाए लेकिन हम ही ना जा पाते। और भाई आज मैं एक चीज दिखाती हूँ आपको, ये जो आप ड्रेस देख रहे हो ना, बहुत सुंदर ड्रेस है। और ये जो डिजाइन मतलब स्टिच की है, जो भी डिजाइन जिस भी तरीके से बनाई है ना, ये बनाई है, चलो ठीक है आप गैस करो कि किसने बनाई है, हमारे घर में से ही बनाई है, आप बताओ किसने बनाई है। नेक्स्ट मैं दिखाऊंगी नई ड्रेस के साथ में और उनको ही दीदी कितनी सुंदर ड्रेस। राधे राधे, हमारे हम जब कोई सी बहन आवे तो सही में आके लड्डू से राधे राधे जरूर बोले। ड्रेस कैसी लगी? कैसे हो लड्डू? लड्डू बेटा कैसे हो आप? ठीक हो? लो भाई आते ही लगी दीदी और माँ के राजमा बच गए। मम्मी धोई बर्तन है पर ध्यान दूध पाई है भाई, सही में उफन जाता जो और थोड़ी देर ना तो आ जाए। एक रील बनानी है भैया, रील का जमाना रहेगा। बस अभी दूधिया ही पे हो जाएगा क्या भैया? पीहरन में यू ही तो मौज रहेगा, कोई भी काम करो हमारे लेखा देख, हम तो आराम से बैठे माँ करो भावच करो। विश्व एक ग्लास पानी मुझे दिया मिक्स कर गए, जो भेड़ पहले तारे वो करो, तो हम तो बैठ गए। तेरे कहने का मतलब भावस तो है ना, कसर प्रीति पहले काट दिए तो एक ग्लास पानी दी मिक्स कर गए। हमारे कहने का मतलब है हम तो बेरो कर दे पर हम बेहा बालक। ब्लॉग करते हैं हम यहीं पे खत्म। ऐसी तो बढ़िया तेरा आदमी है, ऐसी बढ़िया तू वक्त भी बोलनी है तो अपने ऐसी घर चले कर रहे दोनों। हेलो हेलो, आ गई हो मैं घर पे? आप आ गए? घर वाले सारे लड़ रहे हैं क्या, फोन में बैलेंस नहीं है? और बता फोन करे तो बड़ा जी जाना, रिचार्ज करवा दिया मैंने। दक्ष उसके भी इनकी कहते बड़े पापा से बड़ी मम्मी फोन में रिचार्ज कर देंगे। लोग यहीं पे खत्म करते हैं। दीदी जो आई है ना वो है खास रीजन, और वो खास रीजन क्या है हम आपको आगे ब्लॉग में जरूर दिखाएंगे। जैसा कि आप सबने देखा था हवन हो चुका है और अब हमारी नए घर में शिफ्टिंग होने वाली है, हम नए घर पे शिफ्ट होने वाले हैं और वो भी हम आपके साथ ब्लॉग में जरूर शेयर करेंगे। लेकिन इससे भी बहुत ज़्यादा खास कुछ है जिसके लिए स्पेशल दीदी आई है वहाँ से और रुकेगी रात नए घर में शिफ्ट के लिए, तो नहीं आई है वो मैं आपको बता रही हूँ कि हम नए घर में शिफ्ट होने वाले हैं। विक्की का कहना यही था दीदी आएगी हम शिफ्ट उसी घर में होंगे हम वहीं जाएंगे, लेकिन सच बताऊँ ना मन सा ना हो रहा, हमारी बहुत सारी यादें जुड़ी हुई है यहाँ पे, बहुत सारी यादें हमारी यहाँ सच में ही, हमारे मतलब हमारे फोटोज हमारी ये सारी चीज़ें, पहले ये वाली चीज़ें नहीं, और यहाँ मतलब दीदी का मेरा शिवानी का बच्चे इनके, देखो ये पहले दिख रही ना होगी, देखो दिख रही कुछ कुछ निशाने सी ऐसी लाइनें भी। अभी एक घर छोड़ कर हम जाएंगे दूसरे घर में, लेकिन मैं तो पापा से कह रही, मेरे पापा कह रहे तू निहारी हो जा तो ऊपर रह लेंगे नीचे कमरा ले ले, मैंने मुझे तुम यही घर में कमरा दे दो, मैं तो यही पापा कह रहे निहारी हो जाए छोटे बैठ अलग अलग पागल, तू कह रही ना घर दोनों में ही तो चलो कोई बात ना, आदमी भी वीर बोनी की बात समझनी चाहिए और वीर बोनी की आदमी समझनी चाहिए, घर वाई तो चलो बड़ी गलती है तेरे फोन में बैलेंस, कोई बात कम से कम ठीक है खत्म होगा। अगर तेरे फोन पे फोन आ रहे ना तो ठीक है, तो बताओ पापा को बीपी हाई हो जाए अगर फोन उठाते, फोन ना आ रहा आने जाने बंद हो रहे और सोच तू आ रही है लड़ते हो रही है बात पे। कल बहुत अच्छा व्लॉग आएगा, बहुत ही स्पेशल वाला व्लॉग आएगा, नेक्स्ट व्लॉग जो होगा जो हम शेयर नहीं करेंगे, देखना हम डायरेक्ट हम आपको दिखाएंगे हमारा बनाए कहीं का टूर, और टूर हम कहाँ जा रहे हैं वो हम आपके साथ टूर वाला व्लॉग शेयर करेंगे, तो आप सजेस्ट करना उस चीज के लिए कि हम कहाँ जा सकते हैं। तो चलो मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, सो जाते हैं भाई सुबह की तैयारी भी करनी है।